फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव के नाम पर अब स्टेडियम का निर्माण होगा। बनारी गोरा टोली क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए गांव में नया स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। एसडीओ हेमलता व बीडीओ छंदा भट्टाचार्य ने बताया कि गांव में अष्टम उरांव के नाम से स्टेडियम का निर्माण होगा। डीपीआर तैयार कर लिया गया है। बता दें कि गोरा टोली गाँव में अष्टम उरांव के नाम से सड़क भी बन रही है। फिलहाल अष्टम मिट्टी के घर में रहती है, लेकिन जल्द ही अंबेडकर आवास योजना से अष्टम का पक्का का घर व शौचालय भी बनाया जाएगा। गुमला डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि यह स्टेडियम अष्टम के सम्मान में बनाया जाएगा। जिस सड़क का निर्माण अष्टम के नाम पर हो रहा है, उसके माता पिता इसी सड़क के निर्माण में मजदूरी कर रहे हैं, इस बात की मुझे पहले जानकारी नहीं थी। अष्टम बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अष्टम के पिता बेंगलुरु जाकर मजदूरी किया करते हैं। फिलहाल पिता गुमला के बिशुनपुर स्थित घर में ही हैं और यहीं पर वह मजदूरी कर रहे हैं। बता दें कि अष्टम के घर तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, लेकिन जब यह बात पता चली कि उसका सिलेक्शन फीफा अंडर 17 में हुआ है, तो उसके बाद से ही उसके घर के सामने सड़क बन रही है, वह भी अष्टम के नाम पर। और सबसे खास बात यह है कि इस सड़क में जो मजदूर के काम पर लगे हुए हैं, उसमें अष्टम के माता पिता भी शामिल हैं। कल से पहले तक यह बात सबको परेशान किए जा रही थी कि अष्टम उरांव के माता पिता अपनी बेटी को फुटबॉल खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं है, लेकिन सोमवार को यह समस्या खत्म कर दी गई। गुमला डीसी ने टीवी और इन्वर्टर अष्टम के घर में लगवा दिया है। हमने द फॉलोअप के पेज पर वीडियो के जरिए आपको दिखाने का प्रयास किया है कि अष्टम के माता पिता ने कितनी संघर्ष से अष्टम और उसके भाई बहन का लालन पालन किया है। अष्टम के घर में टीवी नहीं थी, शौचालय में दरवाजा नहीं था। अष्टम के माता पिता को हर दिन 250 रुपए मजदूरी मिलती है। अष्टम की मां ने बताया कि उन्होंने बेहद ही कष्ट से अष्टम को पाला है। खाने के लिए वह आज भी बहुत अच्छा खाना अपने बच्चों को नहीं दे पाती है। आज भी वह माड़ भात, पानी भात, तो कभी जंगल या खेतों से लाए हुए साग भात ही अपने बच्चों को खिला पाती है। अष्टम ने अपने पिता से फुटबॉल मैच सीखा है। अष्टम के पिता ने 2 साल से अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा है। वह काम करने के लिए बेंगलुरु चले जाते हैं, तो कभी अष्टम मैच के लिए बाहर रहती हैं। जब अष्टम अपने गांव आती है, तो पिता बेंगलुरु में रहते हैं। अब अष्टम का सिलेक्शन फीफा अंडर 17 में हो गया है, तो पिता अपनी बेटी का चेहरा देखने की तमन्ना लिए वापस आ गए हैं। अष्टम के माता पिता बेहद ही संघर्ष से अपनी बेटी को यहां तक लेकर आए हैं। उनके माता पिता की दिली इच्छा है कि वह अपनी बेटी का मैच मैदान में लाइव देख सकें। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जो देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये सुधा अंकिता तिर्की और ये जो कैप्टन हमारे अष्टम उरांव, इनका शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले हम उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जीत के आए और नाम रोशन तो कर ही रही हैं, और हमारा गौरवान्वित का पल आएगा जो वो लोग जीत के आएंगे, उसके लिए शुभकामनाएं उनको। और रही बात की जिला प्रशासन की और से, हम लोग हर संभव उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक हम अच्छी बात बताना चाहेंगे कि अष्टम उरांव के नाम से जो स्टेडियम बनने वाला है, उसका डीपीआर भी हम लोग तैयार कर लिए हैं, और उस जल्द ही स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा, और हर संभव उसको जिला प्रशासन की ओर से मदद मिलता रहेगा। मैडम, ये तो बहुत ही आवश्यक है, और सरकार की पहल भी है, वो कर भी रही है कि खिलाड़ियों को हर संभव हर योजनाओं का उन्हें लाभ मिले, और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि सभी खिलाड़ियों को हर तरह का मदद मिले। मैडम, एक विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in